अभी हम हैं हाजीपुर के दिघीकला में और उस जगह पर है जहाँ से एक रास्ता महुआ और दूसरा रास्ता मुजफ्फरपुर की तरफ जाता है। अभी मेरे पीछे जो रास्ता आपको दिख रहा है वो महुआ की तरफ जाता है, महुआ समस्तीपुर ये रास्ता निकल जाएगा और उस तरफ जो रास्ता है वो मुजफ्फरपुर की तरफ जाता है, फोर लेन है मुजफ्फरपुर फोर लेन। और हम आपको दीघी आरओबी मतलब रेलवे ओवर ब्रिज जो बन रहा है दिघीकला में हाजीपुर से इस तरफ आने के लिए उसका अपडेट देने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। दिघीकला आरओबी का यही अपडेट है कि इधर जो है रोड को बीच कर दिया गया है, जो पेडिस्ट्रियन है जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसे भी कनेक्ट किया जा रहा है। उस तरफ का अपडेट मैंने दिया है कि बीच में पुल बन गया है, थोड़ा सा कंक्रीट का पोर्शन बचा हुआ है वो किया जा रहा है और उस तरफ थोड़ा सा उधर पिच नहीं हुआ है जहाँ से पुल शुरू होता है, मतलब कि पुल जहाँ से हाजीपुर की तरफ जाने से जब पुल का पार्ट खत्म होता है वहाँ से आगे तक पिच नहीं किया गया है। कुछ दूरी पर जो रैंप है उसे भरा नहीं है किया गया है और इसकी वजह से ट्रैफिक है क्योंकि उधर से ही रास्ता है नीचे आने का और जो स्टार्टिंग पोर्शन है पुल का उधर पिच कर दिया गया है। तो अपडेट यही है कि दिघीकला आरओबी बहुत जल्द लोगों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। अगस्त 15 अगस्त का डेट है, टारगेट है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो हो पाएगा। अगर होगा भी तो एक ही लेन हो पाएगा, दो लेन तो संभव नहीं है क्योंकि उस साइड का ये जो भाग है ये भाग बचा हुआ है, ये जो घेरा हुआ पुल का पार्ट लोगों को की सुरक्षा के लिए वो नहीं अभी फिलहाल बना है और वो काम बाकी है और समय लगेगा। हमको लगता है एक दो महीना और समय लग जाएगा, क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि हर अपडेट आपको समय मिलता रहे। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, कमेंट कीजिए उससे मेरा हौसला बढ़ता है, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग बिहार के डेवलपमेंट के बारे में जान सके। हम फिर मिलेंगे किसी और नए आपके साथ। नमस्कार, जय भारत।